रणबीर कपूर की रामायण मूवी को लेकर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पहले से ये मूवी तो यार बहुत ही बड़ी थी, लेकिन अब ये न्यूज सुनने के बाद और भी यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। तो बेसिकली गाइस, जो रणबीर कपूर है उनकी रामायण को बनाने के लिए आप लोगों को बताया काफी सारे प्रोड्यूसर्स हैं। पहले तो यहाँ पे जो है डीएनजी कंपनी के मालिक खुद यहाँ पे जो है नमित मल्होत्रा इसको यहाँ पे जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, नितेश तिवारी जो इस मूवी को यहाँ पे जो है डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तीसरा यश जो खुद यहाँ पे जो है रावण का रोल प्ले करने वाले हैं वो भी यहाँ पे मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी बीच में यहाँ पे जो है डीएनजी कंपनी के यहाँ पे सीईओ है नमित मल्होत्रा, उन्होंने यहाँ पे जो है इस मूवी को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर दी है। मतलब गाइस अभी यहाँ पे जो है नमित मल्होत्रा बात कर रहे हैं वार्नर ब्रदर्स से इस मूवी को हॉलीवुड के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है वार्नर ब्रदर्स के बारे में मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहिए, उनके अंडर में काफी सारी मूवीज बनी है, लाइक हैरी पॉटर हो गया, डार्क नाइट हो गया, इंसेप्शन हो गई, उन सभी के अंडर में यहाँ पे जो है वार्नर ब्रदर्स का नाम तो अपने को यहाँ पे देखने को मिलता ही है। तो अभी क्या सीन हो रहा है कि जो नमित मल्होत्रा है डीएनजी कंपनी के मालिक वो यहाँ पे जो है इस रामायण मूवी के प्रोजेक्ट को लेकर गए हैं वार्नर ब्रदर्स के पास। एंड गाइस उनसे यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक काफी बड़ी रिक्वेस्ट की गई है, अगर वो यहाँ पे जो है इस पूरी की पूरी ट्रिलॉजी, जैसे कि आप लोगों को पता है मूवी यहाँ पे जो है एक नॉर्मल मूवी नहीं है बल्कि एक फ्रेंचाइज है, तीन पार्ट्स के अंदर ये मूवी यहाँ पे जो है बनने वाली है, ठीक है। तो इस मूवी को लेकर यहाँ पे जो है वो उनके पास गए हैं, अगर यहाँ पे जो है हॉलीवुड के अंदर रामायण को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स मान जाते हैं तो भाई इससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर अपने को यहाँ पे जो है हॉलीवुड के अंदर यहाँ पे और क्या ही मिल सकता है, और कौन यहाँ पे जो है इससे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी यहाँ पे जो है इस मूवी के अंदर बहुत सारा पैसा लग चुका है, ये मूवी ऑलरेडी यहाँ पे जो अपने को बताई जा रही है कि 500 से लेके 600 करोड़ तो इसका बजट बन चुका है, यहाँ पे सबसे महंगी मूवी इंडिया की ऑलरेडी ये हो चुकी है, ठीक है। तो इसी बीच में यहाँ पे जो है अगर इस तरह का हॉलीवुड अपने को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो इसके बजट को रिकवर करना काफी ज्यादा इजी आसानी से यहाँ पे हो सकता है। रामायण बेसिकली यहाँ पे एक वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर यहाँ पे जो है काम चल रहा है। एंड गाइस इस मूवी को लेकर यहाँ पे जो है सभी लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं कि मूवी यहाँ पे जो है आदिपुरुष के जैसे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाली, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पे जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की चीजों को यहाँ पे ऐड किया जाने वाला है, न्यू टेक्नोलॉजी जो होती है उसका भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। उसी के साथ जैसे कि आप लोगों को पता है ये मूवी की अनाउंसमेंट यहाँ पे जो है 17 अप्रैल यानी दोस्तों रामनवमी के दिन अपने को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस इसी के बीच में यहाँ पे जो है ये बातें भी निकल कर आ रही है कि जरूरी नहीं है कि ये लोग यहाँ पे जो है 17 अप्रैल को यहाँ पे जो है मूवी की अनाउंसमेंट कर दे, बिकॉज अभी लगता है काफी जल्दी जल्दी में हो रहा है, ठीक है। अगर ये लोग यहाँ पे जो अपना पहला ही अनाउंसमेंट यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में बेकार कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को पता है इसका इंप्रेशन जो होता है काफी अच्छा नहीं रहेगा, ना तो हॉलीवुड लेवल के ऊपर ना ही दोस्तों बॉलीवुड लेवल के ऊपर, ठीक है। तो इसी बीच में यहाँ पे जो है सुनने में आ रहा है कि जरूरी नहीं कि 17 अप्रैल को अपने को यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिले, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे जो है अपन ने फोटोज देख ली है, लीक्स देख ली है, तो उससे आइडिया तो हो ही चुका है कि मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मूवी पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है काम चल रहा है, जरूरी नहीं है कि इतनी जल्दी अपने को यहाँ पे अनाउंसमेंट जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अब ये भी यहाँ पे जो है कंफर्म हो चुका है कि यश यहाँ पे जो है रावण का रोल जो होता है वो भी यहाँ पे प्ले करेंगे। पहले सुनने में आया था कि सिर्फ इस मूवी को यहाँ पे वो प्रोड्यूस ही करने वाले हैं, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे जो है अपने को यश इस रावण कैरेक्टर के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को बताइए कि इस मूवी के अंदर यहाँ पे जो है कितने सारे ऑस्कर विनर्स लोग जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों हंस जिमर जो अभी भी रिसेंटली यहाँ पे जो है इसके म्यूजिक को कंपोज करने के लिए यहाँ पे हायर किए गए हैं। उसी के साथ दोस्तों अपने को यहाँ पे एआर रहमान जो खुद यहाँ पे जो ऑस्कर विनर है वो भी यहाँ पे जो है इसके म्यूजिक के ऊपर यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। उसी के साथ डीएनजी कंपनी वो भी यहाँ पे जो है ऑस्कर विनर है वो भी इस मूवी के लेकर यहाँ पे जो है काम कर रही है। आप लोगों को बताया अगर यहाँ पे जो है वार्नर ब्रदर्स जो होते हैं वो भी अपने साथ यहाँ पे आ जाते हैं तो इस मूवी को यहाँ पे जो है ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है। गाइस ये मूवी यहाँ पे जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर काफी मैसिव बन जाएगी। तो यार मैं पर्सनली बताऊं तो रामायण को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बहुत सारी लीक्स आएगी, बहुत सारी न्यूज आएगी, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो।